जयपुर में पाँच सौ साल पुराना श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों गए थे उस मंदिर में पहली बार मैं भगवान कृष्ण के मंदिर गया था तो जैसी वो कपाट खुले एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ एंड आई वॉज़ क्राइंग मतलब मैं लिटरली मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे तो होता है होता है जो लोग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करते हैं इसका है। experience, अगर आपको डीपली लेना है ना तो लोग मैंने भी बहुत रोते देखे मंदिर में खड़े होकर रो रहे हैं भगवान पर उनका एम कुछ और होता है वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके घर में दुख है कि भगवान ये वाला ठीक करो ये वाला उससे भी ज्यादा जब सेल्फलेसली आप भगवान के लिए रो रहे हो मतलब दुखों से मेरा कोई लेना देना नहीं या फिर कोई ये मांग के कि भगवान ये ठीक मेरा जीवन का ये हिस्सा ठीक हो जाए उसके लिए भी नहीं।, नहीं आप जब केवल भगवान के लिए रोते हो कि मुझे आप कब मिलोगे मुझे कब आपका अनुभव होगा कब मेरे कानों में आपकी वो बांसुरी सुनाई देगी कब में वो वृंदावन का जो अनुभव वो फील उसका फिर उसका आनंद एक अलग ही है वो वो धीरे धीरे ये आता है एसोसिएशन से hmm. जब आप ऐसे भक्तों का संग करने लगते हो आप वृंदावन जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी आंखें भीग जाएंगे hmm. क्योंकि इस धरती का जादू है वहाँ लोग जो रहते हैं उनकी भक्ति का असर है hmm. तो ऐसे लोगों के संग करने से फिर हमारे मन में भी ये भाव एक दिन पैदा होता, पैदा होता, है।, होता है लेकिन उस वक्त जब आपने ये बात बोली बिल्कुल ठीक बोली पर मैं जब कारण ढूंढने गया तो मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूँ कारण ही नहीं पता मैं ढूंढ आज तक भी ढूंढता मैं और मुझे नहीं पता कपाट खुले दर्शन किया रोने लग गया ये भगवान की है। शक्ति है ये होता है होता है एक बार मैंने फील किया है और ये होता है